राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फार्मर हेल्प सेंटर में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल में लगने वाले पीला रतुआ एवं पर्ण झुलसा रोग के बारे में। हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारे गेहूं की फसल में इन रोगों के लक्षण दिखाई देते हैं, कितने प्रतिशत तक इन रोगों के कारण हमारे गेहूं की फसल में नुकसान होता है, क्या क्या इनके उपाय हैं जो हमारे किसान भाइयों को करने चाहिए जिससे कि उनकी गेहूं की फसल जो है सुरक्षित रहे और उन्हें अच्छा उत्पादन मिल सके। अक्सर हमने देखा है कि हमारे जो गेहूं की फसल है वो कई बार रोगों के चपेट में आने के कारण जो हमारा उत्पादन होता है उसमें काफ़ी नुकसान होता है। तो ऐसे में जो ये गेहूं की फसल में जो मुख्य रूप से जो रोग लगते हैं उनकी जानकारी हमारे किसान भाइयों को अगर पहले से ही होगी तो निश्चित ही हमारे किसान भाई उन रोगों से अपनी फसल को सुरक्षित रख सकेंगे। तो बने रहें हमारे साथ और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले समय में आपको जो कृषि संबंधित सभी जानकारी मिल सके। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे गेहूं की फसल में पीला रतुआ रोग के बारे में। मुख्यतः पीला रतुआ रोग पहाड़ों के तराई क्षेत्रों में पाया जाता है, परंतु पिछले कुछ वर्षों से उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में इस रोग का प्रकोप पाया गया है। मैदानी क्षेत्रों में सामान्यतः गेहूं की अगेती एवं पछेती किस्मों में यह रोग छोटे छोटे खंडों में क्षेत्रीय केंद्रीय एकीकृत नसीजीवी प्रबंधन केंद्र लखनऊ द्वारा रिपोर्ट किया गया है। जनवरी और फरवरी में गेहूं की फसल में लगने वाले पीला रतुआ येलो रस्ट रोग आने की संभावना रहती है। निम्न तापमान एवं उच्च आर्द्रता येलो रस्ट के स्पोर अंकुरण के लिए अनुकूल होता है एवं गेहूं को पीला रतुआ रोग लग जाता है। हाथ से छूने पर धारियों से फफूंद के बीजाणु पीले रंग की तरह हाथ में लगते हैं और फसल के इस रोग की चपेट में आने से कोई पैदावार नहीं होती है और किसानों को फसल से हाथ धोना पड़ सकता है। किसान भाइयों, उत्तरी भारत के पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में पीली गेरुई के प्रकोप से करीबन 3 लाख हेक्टेयर गेहूं के फसल का नुकसान 2011 में हुआ था। इसीलिए हमारे किसान भाइयों को पीला रतुआ रोग से सावधान रहना पड़ेगा। किसान भाइयों, पीला रतुआ रोग के लक्षण एवं पहचान हमारे किसान भाई कैसे कर सकते हैं? इस बीमारी के लक्षण प्रायः ठंडे व नमी वाले क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलती है। साथ ही पॉपुलर व सफ़ेदी के आसपास उगाई गई फसलों में ये बीमारी सबसे पहले आती है। पत्तों का पीला होना ही पीला रतुआ नहीं है। पीला पत्ता होने के कारण फसल में पोषक तत्व की कमी, जमीनी में नमक की मात्रा ज़्यादा होना व पानी का ठहराव भी हो सकता है। पीला रतुआ बीमारी में गेहूं के पत्तों पर पीले रंग का पाउडर बनता है जिसे हाथ से छूने पर ही हाथ पीला हो जाता है। ऐसे खेतों में जाने से कपड़े भी पीले हो जाते हैं। किसान भाइयों, पत्तों का पीला होना ही पीला रतुआ नहीं कहलाता है, बल्कि पाउडर नुमा पीला पदार्थ हाथ पर लगना इसका लक्षण है। पत्तियों की ऊपरी सतह पर पीले रंग की धारी दिखाई देती हैं जो धीरे धीरे पूरी पत्तियों को पीला कर देती हैं। पीला पाउडर जमीन पर भी गिरा देखा जा सकता है। रोग प्रभावित फसल के खेत में जाने पर कपड़े पीले हो जाते हैं तथा छूने पर पाउडर नुमा पीला पदार्थ हाथों में लग जाता है। पहली अवस्था में यह रोग खेत में 10 से 15 पौधों पर एक गोल दायरे के रूप में शुरू होकर बाद में पूरे खेत में फैल जाता है। तापमान बढ़ने पर पीली धारियां पत्तियों की निचली सतह पर काले रंग में बदल जाती हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा हम बात करें जो पर्ण झुलसा रोग होता है, जो भी वो भी काफ़ी खतरनाक होता है, उससे भी हमारे किसान भाइयों को सतर्क रहना होता है। तो उस रोग के भी लक्षण हम आपको बता देते हैं, उसके बाद हम इससे निपटने के उपचार के बारे में बात करेंगे। पर्ण झुलसा रोग के लक्षण पौध के सभी भागों में देखे जा सकते हैं, परंतु पत्तियों पर संक्रमण सर्व प्रमुख होता है। इससे पत्तियां झुलसी दिखाई देती हैं, इस कारण यह रोग पर्ण झुलसा नाम से भी जाना जाता है।
किसान भाइयों, हरी पत्तियां समय से पहले सूख जाती हैं तथा बीज बदरंग हल्के तथा आकार में सिकुड़ने से बनते हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इस रोग से संक्रमित फसल की उपज में 45% तक की कमी आ जाती है। किसान भाइयों, इस रोग से बचने के लिए तथा जो पीला रतुआ रोग होता है उन दोनों से बचने के लिए हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले रोग के लक्षण दिखाई देते ही 200 ml प्रोपीकोनाजोल 25 ईसी का घोल बनाकर अपनी गेहूं की फसल में प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना है, जो कि हमारे किसान भाई 100 से 150 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं और अपनी गेहूं की फसल से इसका जो रोग, ये जो रोग होता है पर्ण झुलसा या फिर पीला रतुआ, जिसको ख़त्म कर सकते हैं। किसान भाई, एक बार स्प्रे करने से अगर ये रोग नहीं जाता है तो 10 से 15 दिन के अंतर पर दूसरा छिड़काव जरूर कर दें, जिससे कि बिल्कुल ही ये रोग ख़त्म हो जाए। तो आशा करते हैं आज की इस वीडियो में हमारे किसान भाई समझ गए होंगे कि कैसे पीला रतुआ के लक्षण दिखाई देते हैं और पर्ण झुलसा के जो रोग होता है उसके लक्षण दिखाई देते हैं और हमारे किसान भाई कैसे उसका उपचार कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहें आप हमारे साथ। जय जवान, जय किसान।